हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में एक सवाल थोड़ा सा अधूरा रह गया था। मैंने सिर्फ उत्तर एक समीकरण निकाल के छोड़ दिया था और आपको मैंने हल करने के लिए कहा था। बहुत सारे लोगों ने हल कर भी लिया होगा, लेकिन आइए इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इसको हल करके भी दिखा देता हूँ। जिन लोगों को दिक्कत होगी वो लोग इस समीकरण को हल कर सकेंगे, ठीक है? तो हमारे पास क्या समीकरण है? 30/x बराबर 30/2x प्लस 3, ठीक? अगर आपने ये समीकरण कैसे आया जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के पहले, एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो मैं इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगा कि इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, ठीक? आइए जल्दी से देखते हैं। तो हमारे पास एक छोटा सा समीकरण है, 30/x बराबर 30/2x प्लस 3। हम यहाँ से x का मान निकालना चाहते हैं, ठीक है? x हमारा चाल है और हमको चाल का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें जिसमें x है हम उसको एक तरफ ले आ लेंगे। तो यहाँ पे 30x है जो कि बाई तरफ है, 30x/30/2x दाई तरफ है, जिसको हमको बाई तरफ लेके आना है। तो जब हम इसको बाईं तरफ लेके आएंगे, ठीक है, तो इसका ये माइनस के साथ आएगा, ठीक, बराबर 3, ठीक है? ये कैसे आता है ये मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए 30/x बराबर 30/2x प्लस 3 है। हम क्या करना चाहते हैं कि हम इसको इस साइड से गायब करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 30/x बराबर, अगर हम इतना ही इस साइड में माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। जैसे कि 30/2x माइनस 30/2x प्लस 3, 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने अगर इसमें इस तरफ माइनस किया है तो इस इक्वेशन को ठीक ठीक रखने के लिए हमको इधर भी माइनस करना पड़ेगा। अब इक्वेशन बराबर हुआ तो इधर वाला तो 0 हो जाएगा, इधर वाला बचा रह जाएगा। ठीक, तो ये इक्वेशन दोनों बराबर आ गई। ये एक शॉर्टकट तरीका है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है? मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी है, इसी वजह से आपको ये धब्बे दिख रहे होंगे, ठीक है? आइए देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, ठीक? अब हम x इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं, ठीक? 1/x यहाँ पे बचेगा 30 और यहाँ पे बचेगा 30/2 बराबर 3, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, ये जो x 1/2 में है दोनों तरफ हम x से गुणा कर देंगे। इधर भी हम x से गुणा कर देते हैं, 30-30/2, और इधर भी हम x से गुणा कर देंगे, ठीक। दोनों तरफ हम गुणा करेंगे, ये वाला कट जाएगा, ठीक। तो इधर बचा 30-30/2 बराबर 3x, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको हल कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे 30 में तो 15 आएगा, और 30-15 यहाँ पे 15 बचेगा, 3x। यहाँ से x का मान निकालना चाहेंगे तो दोनों तरफ हम 3 से भाग कर देंगे, तो इधर तो 5 बचेगा और इधर सिर्फ x बचेगा, ठीक ठीक है? तो इस तरीके से x का मान हम निकाल सकेंगे, ठीक है?
उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में मुझे अपने सवाल बता सकते हैं, ठीक है। आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया है ये भी बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उस चीज़ के हिसाब से जो आपको समझ में नहीं आया है उसके हिसाब से कुछ वीडियो अलग से बना के आप लोगों को दे सकूं, ठीक, जिससे कि आपको समझ में आ सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि मैं मैथ के इसी तरीके के वीडियोस आगे भी बनाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।